एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज की, जो बहुत ही कॉमन है, जो डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत यूज़ किया जाता है। गाइस वो फ्रेज है ऑन बिहाफ ऑफ। गाइस ऑन बिहाफ ऑफ को यूज़ कैसे किया जाता है और इसका स्पोकन में कैसे हम यूज़ करते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे। गाइस ऑन बिहाफ ऑफ का यूज़ जो है वो किया जाता है अगर आपको कहना हो कि वह मेरी तरफ से यह काम कर रही है, या वह मेरी तरफ से ये भार ले रही है, वह मेरी तरफ से उससे माफ़ी मांग रही है, मैं उसकी तरफ से आपको धन्यवाद कह रहा हूँ। अगर इस टाइप के सेंटेंसेस हो जहाँ पे किसी की ओर से काम करना होता है, किसी की तरफ से काम करना होता है, आप एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर रहे होते हैं, किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको यूज़ करना है ऑन बिहाफ ऑफ। तो ऑन बिहाफ ऑफ को यूज़ कैसे किया जाता है इस वीडियो में हम सीखेंगे। प्लीज़ और यहाँ पर फ्रेज को समझने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं, एग्जांपल्स के थ्रू आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो गाइस ऑन बिहाफ ऑफ का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इसको बनाते हैं, सबसे पहले क्या करना है गाइस, आपको सेंटेंस जो है किसी भी टेंस में हो सकता है, आपको सेंटेंस बना देना है। उसके बाद आप ऑन बिहाफ ऑफ किसी की तरफ से भी वो काम कर रहा है, अगर उसकी तरफ से काम कर रहा है तो आपको हिम लगाना है, अगर तुम्हारी तरफ से काम कर रहा है तो ऑन बिहाफ ऑफ यू लगाना है, अगर किसी लड़की की तरफ से काम कर रहा है तो आपको कहना है ऑन बिहाफ ऑफ हर लगाना है, अगर हमारी तरफ से काम कर रहा है तो ऑन बिहाफ ऑफ अस लगाना है, उनकी तरफ से काम कर रहे हैं तो ऑन बिहाफ ऑफ देम लगाना है। तो गाइस आप इस तरह से आप इसको यूज़ करना है, जहाँ पे जो भी सेंटेंस होगी आपको उसके अकॉर्डिंग ऐसे आपको यूज़ करना है। ओके, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। तो सेंटेंस क्या है, पहले मैं माफ़ी मांगती हूँ, पहले आप ये देखिए कि ये टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैंने अभी बताया आपको जो सेंटेंस है आपको पहले जिस भी टेंस में आपको वो बना लेने हैं। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, तो पहले मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया, आई अपोलोजाइज उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, उसकी तरफ से मैंने बताया उसकी तरफ से भी आपको हिम लगाना है, ऑन बिहाफ ऑफ हिम। ओके, आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ हिम। गाइस इसको आप दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, अगर आपको कहना हो मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ तो आप कह सकते हैं आई अपोलोजाइज ऑन हिज बिहाफ। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, हिम ना लगा के आपको हिज का यूज़ करना है, पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा वहाँ पे। ओके, आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ करना है, आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ हिम या आई अपोलोजाइज ऑन हिज बिहाफ। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं वह मेरी तरफ से काम कर रहा है, वह मेरी तरफ से काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या सबसे पहले बनाना है, सेंटेंस क्या है, वह काम कर रहा है मेरी तरफ से, अभी छोड़ दीजिए, तो ही इज डूइंग वर्क, वह काम कर रहा है किसकी तरफ से कर रहा है, मेरी तरफ से कर रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ मी। ओके, आई ही इज डूइंग वर्क ऑन बिहाफ ऑफ मी, आप कह सकते हैं ही इज डूइंग वर्क ऑन माई बिहाफ। ओके, वे सीता की तरफ से विनियोग कर रहे हैं, वे सीता की तरफ से, अभी आप सीता की तरफ से छोड़ दीजिए, आप जो बनाइए वे विनियोग कर रहे हैं, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि रहा है रही है आ रहा है यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले इसको बना लेना है, जिस भी टेंस में रहेगा गाइस आपको उस टेंस में बना लेना है, उसके बाद आपको किसकी तरफ से है वो आपको लगा देना है, बाद में ऐड कर देना है। तो गाइस यहाँ पे क्या है, भी सीता की तरफ से विनियोग कर रहे हैं, विनियोग करने को कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, यानी इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट करना का मतलब होता है कि आप पैसा कहीं पे लगा रहे हैं कि आपको उससे वो बाद में वो आपको प्रॉफिट दे, प्रॉफिट के पर्पज से कहीं पे पैसा लगाने को हम इन्वेस्ट कहते हैं। ओके, वे सीता की तरफ से विनियोग कर रहे हैं, तो वे के लिए दे लगेगा, दे के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, यहाँ पे दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आर का यूज हो जाएगा, दे आर, और वर्क क्या है, विनियोग करना। ओके, तो दे आर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग क्यों लगाया, क्योंकि जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होता है वहाँ पे हम वर्ब का आई एन जी फॉर्म यूज करते हैं, दे आर इन्वेस्टिंग सीता की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ सीता, दे आर इन्वेस्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सीता। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह मेरी तरफ से उपहार लेगी, वह मेरी तरफ से उपहार लेगी। तो सबसे पहले आपको देखना है कौन सा टेंस है, ये टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट गा गी गे, मैंने बताया है आपको टेंस के वीडियो में, वह मेरी तरफ से उपहार लेगी, यहाँ पे लड़की है तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, यानी आपको सेंटेंस जो है वो बनानी है, शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी फ्यूचर की, विल, शी विल लेगी, उपहार लेगी, यानी मेन वर्ब जो है लेगी है टेक, ठीक है, शी विल टेक क्या लेगी, उपहार लेगी, गिफ्ट, She will take gift मेरी तरफ से, आपको ये लगाना है on my behalf, कर सकते हैं आप on my behalf या on behalf
of me. Okay? She will take gift on behalf of me or she will take gift on my behalf. मैं डिपार्टमेंट की तरफ से सबको धन्यवाद करना चाहूंगा. मैं सबको धन्यवाद करना चाहूंगा. अब इसका कैसे बनाएंगे ये देखिए. सबसे पहले आपको करना है मैं सबको धन्यवाद करना चाहूंगा. पहले आपको उसका बनाना है आई वुड लाइक टू थैंक ऑल. आई लगा आई वुड लाइक टू थैंक ऑल किसकी तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट. तो गाइज ये थे ऑन बिहाफ ऑफ के सारे स्ट्रक्चर कैसे फ्रेज को यूज करना है हमें कॉन्वर्सेशन में. तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक डू शेयर डू सब्सक्राइब एंड इफ यू हैव अ डाउट इन दिस सेशन प्लीज ड्रॉप योर क्वेरी इन कमेंट सेक्शन बिलो. सी यू सून गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट लेसन. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.